तो फिर दो दलों में बैठ गए, रस्सी नहीं मिल रही। उन्होंने इधर खोजा, रस्सी नहीं मिल रही, रस्सी नहीं मिल रही। हमारे दादाजी सोशल सामने बैठ करके बच्चों का खेल देख रहे थे, बच्चों ने उन्हें देखा, बोले मिल गई। और फिर उन्होंने उठे उठाया, एक ने पकड़ा इस तरफ से, दूसरे ने पकड़ा इस तरफ से, और लगर खींचने हमारे दादाजी के कोर कोर में दर्द उठा। तब उन्हें महसूस हुआ कि कैसे उनके पूर्वजों को लेकर, मंद्राचल को लेकर समुद्र को मथा गया था, कैसी पीड़ा सही थी उनके पूर्वजों ने, जिससे मणि निकले थे, माणिक्य निकला था, रत्न निकला था, देवता निकले थे, देवता निकले थे, कितनी पीड़ा सही थी हमारे पूर्वजों ने। बच्चों का मन भर गया तो उन्होंने दादाजी को जमीन पर रखा और दादाजी फर्र से अलबेला बोला, भाई अब इसका क्या करूं। सियार बोला, अरे बेवकूफ अभी भी पूछता है क्या करूं इसका, अरे सूखी लकड़ी इकट्ठा कर नीचे लगा और आग लगा, इस नुगरे का तो यही न्याय है। अरे नहीं, ये गलत है। क्या बोला, ये गलत है? इधर आइए। छोटे से बच्चे, तुम मुझे गलत कह रहे हो, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? त्रियन। त्रियन, तो त्रियन आप पढ़ते कहाँ हैं? आमिटी। किस क्लास में? सिक्स्थ। सिक्स्थ में? मैं पता है क्या हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तुम मेरी बात को गलत कैसे कह रहे हो? हमें स्कूल में ये पढ़ाया जाता है कि सांप एक जीवित प्राणी है और हर जीवित प्राणी को उसके पर्यावास में जीने का हक है। ठीक कह रहा है ये बच्चा, हर जीवित प्राणी को अपने पर्यावास में अपनी तरह से जीने का उतना ही हक है जितना हमें और आपको है। और सांप इतने बुरे भी नहीं होते, वो हमारे किसानों की मदद करते। मारना है तो अपने अंदर के सांप को मारो, इससे नहीं। मंगल भवन मंगलहारी वो सबके हैं। और आपने कहा राष्ट्र की धरोहर को तोड़वा दिया गया, संभवतः आपको ज्ञात नहीं है कि इस धनुष को अगर केवल सीता की मांग के सिंदूर के लिए तोड़वाया गया होता तो देवताओं की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहां पर ये ऋषि समुदाय क्या कर रहा है, ये मुनि समुदाय क्या कर रहा है, पूरा विश्व अराजकता और आतंक की चपेट में है। उस अराजकता और आतंक को समाप्त करने के लिए एक नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता है और इस धनुष के माध्यम से केवल सीता का विवाह नहीं हुआ है, इस धनुष के माध्यम से उस नेतृत्वकर्ता की भी खोज की गई है। इसीलिए तो देवता यहां इकट्ठा है, इसीलिए तो ऋषि मुनि यहां इकट्ठा है। और आज आप जैसे मनीषी अगर इस कार्य का विरोध करेंगे तो विश्व से कभी आतंकवाद अराजकता समाप्त नहीं होने वाली है। बोलिए क्या बोले। सोच रहे थे हमसे बड़ी भूल हो गई कि हमने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया। सांप, बड़ी चर्चा चल रही है सांप की, और यहां पर सांपों की चर्चा तो हुई ही हुई है। और मैंने एक सांप के बेटे सपोले को दूध पिला दिया, आशीर्वाद दे दिया, ये भूल हो गई। और सांप दूध पीने के बाद भी चाहे वो नीचे जाए चाहे वो ऊपर जाए, उसका उद्देश्य होता है प्राणी को टसना। लेकिन बाल ब्रह्मचारी का कुछ बाल बांका नहीं होगा, ऐसे बोले तेरा फन कुचल दूंगा। जानते हो कौन खड़ा तुम्हारे सामने?
कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? नहीं बताओ, तुम्हारा तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? महामुनि परशुराम जी खड़े हैं। ना ना, कौन खड़ा है? तुम्हारी मौत खड़ी। तो पहले तो ये क्या है? पहले तो आप ये नहीं, ये क्या है? हाँ, परशु है, है? परशु है ना, इसका भी नाम क्षत्रियों की मौत है। और आपका? हमारा नाम राजकुमार का काल है। अच्छा, समझ लो एक बात, पहले तो इन्हें देखो, अच्छी तरह से देखो, पहचान लो, और मुझे देखने के बाद चिताई परश की ओर आ, इसकी ओर देख, इसकी ओर देख, देख इसकी ओर। देख रहा हूं, आपको भी देख रहा हूं, इसको भी देख रहा हूं। अच्छा, पहले तो आप ये निश्चित कर दीजिए कि आप खड़ी हैं कि खड़े हैं, क्योंकि आपने कहा कौन खड़ा है, हमने कहा परशुराम जी खड़े हैं, तो आप कह रहे नहीं तुम्हारी मौत खड़ी है, तो आपको मैं खड़ी में मानूं कि खड़े में मानूं? जब मौत शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो खड़ी है, तो आप खड़ी बने रहो। और जब काल शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो खड़ा है। देखो, स्त्री और पुरुष का भेद मेरी दृष्टि में उस स्तर पर जहां पर मैं पहुंच चुका हूं नहीं है। एक बात याद रखो राजकुमार, इन शब्दों की पकड़ को उन छोटे छोटे बाबाओं के सामने जो तुम्हारी आरती उतारते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारी जय जयकार करते हैं, तुम्हारी चाटुकारिता करते हैं और देश को भ्रष्टता की ओर ले जाते हैं, तुम्हारे दरवाजे पर भीख मांगते हैं, उनसे करना। भीख मांगते हैं? भीख मांगते हैं? हाँ। लगता है आप हमारे गुरु विश्वामित्र जी की बात कर रहे हैं। ओ, समझ गए तुम। हम बहुत अच्छी तरह समझ गए। समझते हो, लेकिन आप नहीं समझते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, आप ये नहीं समझ रहे हैं कि विश्वामित्र जी का जो कार्य है वो इस संसार में वंदनीय हुआ है, और आज आपका जो कार्य है वो निंदनीय है। विश्वामित्र जी के द्वारा जो कार्य संपन्न कराया गया, ताड़का का वध कराया गया, मारीच को सागर पार फिकवा दिया गया, स्वभाव का वध करा दिया गया, जो ऋषि मुनि यज्ञ नहीं कर पा रहे थे उनकी यज्ञ की रक्षा की, विश्वामित्र जी ने इस समाज में, इस संसार में व्याप्त आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अपना कदम उठा दिया है, और आपका ये क्रियाकलाप उन आतंकवादियों के लिए संरक्षण का काम कर रहा है। कला मंडली अपने साहित्य आधारित मंच प्रयोगों के लिए प्रशिक्षण, अभ्यास और प्रयोग के कार्यशालाओं का भी नियमित आयोजन करती है। कला मंडली बाल कलाकारों के लिए दक्षिण दिल्ली के साकेत में भी कथक नृत्यांगना प्रतिभा सिंह के निर्देशन में एक संबंध इकाई चलाती है। हमारी संस्था ने विगत वर्ष देश के साहित्य से जनित प्रदर्शनकारी परंपराओं का एक समारोह करने की बात सोची, और जिसके स्वरूप जो विचार कर इसका नाम सोचा, वचन वाचन उत्सव। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का सहयोग मिला और हम ये समारोह कर पाए, इसके लिए संस्कृति मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद। इस समारोह में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति ने भी सहयोग दिया, उन्हें भी धन्यवाद।